संसद की सुरक्षा को भेदने वाले लोगों की संख्या 6 बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 तो मुख्य आरोपी जो संसद के बाहर और भीतर सिक्योरिटी चैलेंज करते हैं, और ये 4 राज्यों के हैं। चारों ही आपस में कैसे मिले, कब मिले, क्यों मिले, इनका मकसद क्या था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुधवार दोपहर 1 बजे का वक्त हुआ, चेयर पर उस वक्त राजेंद्र अग्रवाल मौजूद दिखते हैं। सामने लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। दोपहर 1:01 का वक्त होता है और फिर पहले आवाज आई कि कोई गिर गया क्या, धप धप की दो आवाज के बीच एक नई आवाज सुनाई पड़ती है। और फिर तुरंत चेयर पर मौजूद राजेंद्र अग्रवाल सदन को स्थगित करने लगते हैं। सुबह की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। चेयर पर मौजूद राजेंद्र अग्रवाल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए, तब तक सांसदों के बीच कूदा हुआ एक शख्स नजर आता है, जो एक के बाद एक सांसदों के बीच ही मेज बांधता दिखता है। बांधते बांधते सदन में कूदा हुआ ये शख्स अपने जूते से कुछ निकालता नजर आता है। इस शख्स को घेरने के लिए आगे बढ़ते सदन के ही सांसद नजर आते हैं। अब यहाँ क्या हुआ है ये जान लीजिए। दोपहर 1:01 पर लोकसभा में पहले सागर शर्मा और फिर मनोरंजन नाम के दो युवक कूदे। सागर और मनोरंजन लोकसभा के भीतर दर्शक दीर्घा में बैठे थे। दावा है कि सागर शर्मा नाम का आरोपी सदन में सांसदों के बीच मेज पर फांदता दिखता है, जो अपने जूते में लाए गए कलर स्मोक को निकाल कर छोड़ने की कोशिश करता है। तब तक इसको सदन के भीतर मौजूद सांसद हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर, गुरजीत सिंह समेत कई और सांसद मिलकर पकड़ते हैं, पीटते हैं, सुरक्षा कर्मियों के हवाले करते हैं। सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के एक कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। 2001 में जब संसद में हमला हुआ तब आतंकवादी संसद परिसर के भीतर बंदूकों के साथ घुसे थे, लेकिन सदन के भीतर नहीं दाखिल हो पाए थे। जबकि 2023 में सुरक्षा में जो सेंध लगी वो एकदम सदन के भीतर तक हुई, जहां दो लोग दर्शक दीर्घा से सदन के बीच सांसदों के बीच कूद कर खड़े हो जाते हैं। सोच कर देखिए, अगर इस शख्स के हाथ में कलर स्मोक नहीं बल्कि कोई बंदूक या दूसरा हथियार होता, अगर ये दोनों जूते में छिपा कर कलर स्मोक नहीं बल्कि कोई हथियार ले आते, अगर ये सिर्फ धुएं वाला रंग नहीं बल्कि कोई जहरीला पदार्थ या गैस होता, तो क्या स्थिति बन सकती थी। सदन जब दोबारा 2 बजे शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला भरोसा देते हैं कि जांच पूरी होगी, चिंता की बात नहीं। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। लेकिन क्या वाकई हाई सिक्योरिटी संसद के भीतर सदन के अंदर दो लोग कूद जाए, धुएं वाला रंग उड़ाए, सांसदों के बीच मेज पर कूदने लगे, तो क्या चिंता की बात नहीं, जबकि 13 दिसंबर की तारीख की ही धमकी एक प्रतिबंधित संगठन के आतंकवादी ने भी दी थी। 13 दिसंबर को एक बैन ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा यह दावा किया था कि वो पार्लियामेंट के आसपास कुछ हंगामा करेगा, कुछ बवाल करेगा, इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट थे। दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी और तमाम सेंट्रल एजेंसीज को इस बारे में जानकारी थी। वो किस तरह का स्पेसिफिक इनपुट था, एक सांसद ने बकायदा उसको ट्वीट करके जानकारी भी दी है, उनके ट्विटर हैंडल पर उसको देखा भी जा सकता है। हालांकि उस शख्स का नाम हम यहाँ पर लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक प्रतिबंधित संगठन है, उसने बकायदा थ्रेट किया था। और खास तौर से जब संसद भवन की बात आती है तो एक एक चीज को बारीकी से एजेंसियां देखती हैं।